गुजरात के तापी में 6 महीने पहले प्रेमी जोड़े ने साथ में खुदकुशी कर ली थी। अब दोनों के परिवार वालों ने उनके पुतले बनाकर पूरे विधि विधान के साथ शादी करवाई। बता दें कि जब ये जिंदा थे तब लड़के के घर वालों ने लड़की को अपनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गणेश अपनी प्रेमिका रंजना के साथ फांसी के फंदे पर झूल गया था। अब 6 महीने बाद दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पुतले बनाए और आदिवासी परंपरा के मुताबिक शादी करवाई। वहीं अब लड़की के घर वालों का कहना है कि गणेश उनका दूर का रिश्तेदार था। बता दें कि इस शादी में सभी रिश्तेदारों और परिवार वालों को बुलाया गया। लोग उनकी मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग इसे प्रेम की मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं जब दोनों ने शादी की बात कही थी तो उन पर ज्यादती की गई और उन्हें घर वालों ने खुद से दूर कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।